राम राम। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शक्षि पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, आशा है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। वीडियो को पूरी जरूर देखिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म में बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ की जाती है, और इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। साल में एकमात्र है ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ की जाती है। आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि, महत्व और फल, और कैसे करें। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल साल में ही दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और शिव की आराधना एक साथ की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति भगवान शिव और विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन धान्य से परिपूर्ण होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, उस व्यक्ति के जीवन के दुख दूर होते हैं। इसी के साथ इस दिन की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की कुंडली में जितने भी दुष्प्रभाव हैं वह सभी दोष दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर साफ वस्त्र धारण करके इसके बाद पूजा स्थल में एक चौकी, लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु की तस्वीरें स्थापित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान विष्णु को एक कमल का फूल अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र। फिर कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के मंत्र ओम शिव विष्णुवे च विद्महे वासुदेव धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात का जाप करें। इसके बाद एक माला भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का। फिर वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें, अंत में दोनों भगवान की आरती करें और अपने जीवन में की गई गलतियों की बार बार क्षमा मांगें और अपना जीवन स्वस्थ सही करने के लिए प्रभु से विनती करें। वैकुंठ चतुर्दशी सबसे शुभ दिनों में से एक है। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का बहुत आध्यात्मिक महत्व है। शुभ दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाए। भगवान शिव की मूर्ति को महाकालेश्वर मंदिर से गोपाल मंदिर ले जाया जाता है। हिंदू धर्म में इन दोनों के संयोग बहुत महत्वपूर्ण है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव क्षीर सागर से बाहर आकर भगवान विष्णु को फिर से इस सृष्टि को संभालने की सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन जो भक्त भक्ति और पवित्रता के साथ भक्त पूजा और व्रत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस विशेष समय अवधि निश्चित काल में होती है। उसमें अवधि के दौरान ही भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। जो लोग भगवान विष्णु को 1000 कमल अर्पित करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनके लिए व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु को कैसे करेंगे प्रसन्न, ये हरि और हर का मिलन का दिन है। इसलिए भगवान विष्णु को बेलपत्र, भगवान शिव को तुलसी पत्ते चढ़ाए जाते हैं या कमल का फूल चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह कार्तिक माह की चतुर्दशी तिथि के दौरान पड़ने वाले एकमात्र दिन है जब लोग इन दो पवित्र वस्तुओं को, इन भगवानों को अर्पित कर सकते हैं। अन्यथा भगवान शिव को तुलसी पत्र चढ़ाना तो सख्त वर्जित है और भगवान विष्णु को बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का क्या है महत्व? वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से वैकुंठ का द्वार खोला जाता है, जिससे यह माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। मान्यता है कि
इस दिन भगवान विष्णु के दरवाजे भक्तों के लिए खुलते हैं, जिससे वे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सके और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन किया जाता है, जिसमें उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा, भजन, कीर्तन, मंत्र का जाप किया जाता है। यह व्रत भक्तों के जीवन से दुख, दरिद्रता और पापों को समाप्त करने के लिए होता है। वैकुंठ चतुर्दशी की आज आपको कथा सुनाएंगे। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुन विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार का खुला रहने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भक्त मेरा थोड़ा सा नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। दूसरी कथा इस प्रकार है, करोड़ों सूर्यों की भांति सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्री हरि विष्णु को। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प पहना चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी हुई देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन या पुंडरी काक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को तैयार हुए। विष्णु जी इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं। आज की एक कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो भक्त श्रद्धापूर्वक व्रत पूजन करेगा उसे वैकुंठ प्राप्त होगा। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ दशी को करोड़ों सूर्यों की भांति कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई व्यक्ति इस व्रत को करता है तो अपना स्थान वैकुंठ लोक में निश्चित करेगा। तीसरी कथा इस प्रकार है, जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था, उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी तट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उनके साथ गया था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। जब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, इसने वैकुंठ चतुर्दशी दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अतः इस व्रत को करने वालों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें, क्योंकि आपके सुझावों का हमें बहुत इंतजार रहता है। साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, औरों को दिखाएं, खुद भी देखें। धन्यवाद। नमस्कार। खुश रहें। राम राम।